दिल्ली से केंद्र सरकार ने यह कहा है, दिल्ली से खबर, जहां देश में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट के सबूत मिले हैं। कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले डबल जानलेवा है। देश भर में कुल 10,787 पॉजिटिव सैंपल लिए गए। पॉजिटिव सैंपल में से 771 कोविड 19 वेरिएंट VOCs रहा, यानी कि ये ज्यादा खतरनाक है। सैंपल में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट पाए गए। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ न्यूज हेड शरद वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अगर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि ये जो म्यूटेंट वेरिएंट मिला है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ये पुराने के मुकाबले डबल जानलेवा है, यानी ये एक और खतरे की घंटी और सावधान रहने की जरूरत हम सभी के लिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोरोना को लेकर शुरू से ये बात और वायरस स्प्रेड डिजीजेस जो भी हैं उनमें ये चीज हमेशा रहती है कि जो भी वायरस होता है वो उसका एक तो म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन के बाद वो रूप बदलता रहता है। इसीलिए कोरोना को मायावी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से अपने को एडॉप्टेशन के यानी अनुकूलता ये डेवलप कर लेता है। जिस भी देश में ये गया है वहाँ की स्थानीय कंडीशंस के हिसाब से ये अपने को ढालने में बड़ी तेजी दिखाता है। और ये वाकई एक चिंता की खबर है कि देश के 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना का मिला है। हालांकि जो एक हमारे यहाँ ग्रुप बनाया गया है जिसमें वायरोलॉजी से जुड़ी लैब्स हैं, उनका एक 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 कोलिशन बनाया गया है, वो अभी जांच कर रहा है इसकी। लेकिन ये जरूर है कि सीमित मात्रा में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और यूरोप के एक और देश का जो म्यूटेंट है जिसने वहाँ काफी तेजी से स्प्रेड करके परेशानी बढ़ाई है, वो भारत में भी मिलने की बात सामने आई है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो भारत के 18 राज्यों में है ये यहीं की स्थानीय कंडीशन के हिसाब से डेवलप हुआ है या फिर ये बाहर से यहाँ आकर बड़ी तेजी से स्प्रेड हुआ है, तो ये देखना, अभी इस पर काम चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का जो काम किया गया है वो बहुत खतरनाक है। और खासतौर से इस खबर के सामने आने के बाद तो बंसल न्यूज इस बात की बिल्कुल अपील करेगा और बढ़ चढ़ कर हम ये बात कहेंगे कि कृपया 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 आप अपने को सुरक्षित रखिए। चाहे आपने वैक्सीन ले ली हो, आप 45 प्लस के हों, लेकिन आप मास्क, हाथ धुलना और लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको मत भूलिए, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और अगर इस तरह से डबल वेरिएंट और ये फैलते गए तो भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां होंगी। बिल्कुल ठीक है आपने, चौकन्ना रहना होगा हमें, सावधानी को बरतना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।